ब्रेकआउट होता है एज पर डीवीआर टाइमिंग 6:36 और कोई 1 से 1.5 मिनट तक गोली चलती है, उसके बाद 3 बॉडी 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद सर्च के बाद 3 बॉडी रिट्रीव करके पीसीआर भेज दी जाती है, लेकिन डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी नहीं मिल पाती है। डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी को असर्टेन करने के लिए पहले बिल्डिंग को हम लोगों ने डॉग माउंटेड कैमरा से एक बार सर्च करवाया और उसी डॉग माउंटेड कैमरा से पता चलता है कि उनकी बॉडी एटिक पे पड़ी हुई है, जिस लोकेशन पे ना तो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस गई थी ना हमारी फायरिंग, वहां पे एक भी बुलेट की फायर एके का कोई फायर ऐसा वहां पे गया नहीं था। तो उस बॉडी को नीचे लाने में रिट्रीव करने में तकरीबन हमारे पास 12 रात के 12 बज गए थे, उसके बाद फिर सर्च करके उसको वापस भेजा गया। इसकी वजह से डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी को पीसीआर में भेजने में 2-3 घंटे का समय लग गया। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन है कि बाद में उनको ओजीडब्ल्यू हमने बताया, ये हमारा क्वेश्चन ये एसआईटी के सामने कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। ये वही चैम्बर है जो डॉक्टर मुदस्सिर गुल का चैम्बर है जिसमें वो बैठते हैं। उस चैम्बर में फॉरेन टेररिस्ट एक लोकल टेररिस्ट के साथ रहता है, तो उसको आप ही बताइए, जो वर्ड देना चाहेंगे वही है। हम सिर्फ सबूत आपके सामने रखते हैं कि उन्हीं के चैम्बर में वो फॉरेन टेररिस्ट पिस्टल के साथ जो पाया गया। डीवीआर हमारे पास अवेलेबल है, जो डीवीआर हमारे पास अवेलेबल है सीसीटीवी फुटेज, उस फुटेज और मौके पे जो चश्मदीद और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बयान है उसके बेस पे, सबसे पहले 6 बजे के आसपास आमिर को भेजा गया कि भाई अपने रूम से अपना फोन लेकर वापस आ जाओ, ये पूछकर कि कोई है तो पहले बताओ। उसने बिल्कुल ही प्लीडेड इनोसेंस, कोई नहीं है, अगर है भी तो मुझे पता नहीं है, और सर इस बिल्डिंग में मैंने तो अभी तक मैं रहता हूं, मैंने किसी को देखा नहीं, जबकि उसको पता था क्योंकि वो तो चलाता था। और ऐसे अहम सुराग सबूत मिले हैं उन दोनों के साथ होने का, उसके बावजूद उसने झूठ बोला, और वो दिखाने के लिए कि अंदर कोई नहीं है वो जाता है और थोड़ा सा सर्च करने का एक ड्रामा ही कहेंगे, या फिर सर्च करता है और वापस आता है कि मेरा फोन नहीं मिला। फर्स्ट फ्लोर से वापस आता है, कोई 2 से 3 मिनट के अंदर सर्च करता है, चूंकि सीढ़ी है, गया सर्च किया वापस आ गया। 2 रूम पे बात आ गई कि 2 रूम बंद है, आईटी सॉल्यूशन वाले ने अपना रूम खोल दिया, अल्ताफ भट्ट साहब के रूम का चाबी अल्ताफ भट्ट साहब के थी, ही वॉलंटियर्ड। हमने उनको बोला कि क्या आपको भी कोई शक है, इन्हें भी बोला कि नहीं सर इस बिल्डिंग में कोई ऐसा है ही नहीं, मैं चल के दिखाता हूं। उसने डॉक्टर गुदगुल को बोला चलो यार। इन्होंने किसी तरह का कोई शक जाहिर नहीं किया कि बिल्डिंग में कोई हो भी सकता है, ना इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से किसी तरह की मदद मांगी कि आप मुझे, हो सकता है कि सर इसमें हो, मुझे बीपी वगैरह पहना दीजिए, मुझे कुछ ये कर दीजिए, मुझे डर है कि हो सकता है कोई हो। इवन सिक्योरिटी फोर्सेस वहां कॉटन में बैठी हुई है, तब भी दे वर सो श्योर कि बिल्डिंग में कुछ नहीं है, दे वॉलंटियर्ड, अंदर की तरफ जाते हैं। आपने वो फुटेज देखा, 6:26 तक, यानी 6:25:58 पे कॉल सेंटर का गेट बंद हो जाता है, और वो हमारा लास्ट फुटेज है जिसमें डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट साहब साथ में दिखे। 6:26 पे दरवाजा बंद होता है लास्ट फुटेज, और 6:36 पे फॉरेन टेररिस्ट उस बिल्डिंग से भागता हुआ दिखा है, और जो आगे जाकर उसको गोली लगी है। 10 मिनट की क्या कहानी है, हालांकि अंदर किसी ने देखा नहीं, कोई चश्मदीद नहीं था, और कैमरे भी कमरे के अंदर थे, रूम के अंदर थे, लेकिन जो कहानी अभी हालात से और जो हमने वहां पे जाकर वहां पे सर्वे करके देखा वो आपके सामने ऐसे बनता है। आपने देखा कि मुदस्सिर गुल साहब का जो चश्मा है वो हाइड आउट के टेबल पे पड़ा हुआ था, इट मींस दरवाजा बंद होने के बाद डॉक्टर मुदस्सिर गुल, जिनको पता था कि इस बिल्डिंग में कोई है, वो उस हाइड आउट पर पहुंचते हैं, चश्मा खोलते हैं, वहां बैठते हैं। वहां पे एक पर्सन पहले से था क्योंकि हाफ इटन फूड वहां पे रखा हुआ था। उनके बीच क्या तशद्दुद होती है, क्या बातचीत होती है, जब ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ तकरार हुई और फॉरेन टेररिस्ट को यह बाहर से आदेश आया कि इसी ने शायद ऑपरेशन करवाया हो, इस शब्द के बिना पे उसने सबसे पहले डॉक्टर मुदस्सिर गुल को एटीक में मारा। ये एफटी अभी हमारी एसआईटी हालात के जो भी हमारे पास सबूत है उसके बेस पे ये बोल रही है।
क्योंकि उनकी बॉडी एटीक के बीच में गिरी है। ऐसा भी नहीं है कि वो तैयार था, जैसे ही कोई गेट से आए उसको मार देगा, तब उनकी बॉडी गेट पे मिलनी चाहिए थी, या फिर वो हाइड आउट के अंदर बैठा हुआ है, हाइड आउट पे मार दिया, नहीं था, वो बीच में एटीक के लगभग बीच में उनकी बॉडी मिली है। इट मींस रूम से बाहर जाते हुए उनको टारगेट किया गया और ठीक 6:35 डीवीआर के मुताबिक और कुछ सेकंड के बाद पहले दो फायर एटीक से सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक पहले दो फायर एटीक में सुनाई दिए। ये वही फायर थे, पिस्टल फायर क्योंकि उनके बॉडी के पास पिस्टल के ही बुलेट खोखे मिले थे। ये वही फायर थे जिसमें फॉरेन टेररिस्ट ने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को टारगेट किया, मारा। उसके बाद वो नीचे आता है या फिर आमिर और हमारे अल्ताफ साहब, अगर ये उसी बीच वाले फ्लोर पे हैं जो हमारे बिल्डिंग ओनर हैं, तो आमिर चूंकि अब तो एक्सपोज हो गया, उन्होंने फायर भी कर दिया, और ये टेररिस्ट आमिर के साथ डॉक्टर अल्ताफ भट्ट साहब को, बिल्डिंग ओनर को ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश करता है। वो कैसे प्रूव होता है, आपको मैंने एक वीडियो दिखाया जिसमें सीढ़ी के पास अल्ताफ भट्ट की बॉडी है, उसके आगे आमिर की बॉडी है, और एफटी की बॉडी वहां से आगे निकलकर रोड के पास पड़ी हुई है कोई 83 फीट दूर। अगर कोई दो पर्सन एक ह्यूमन शील्ड लेकर आएगा तो पहला फायर करते हुए जब वो निकलने की कोशिश करते हैं, पहला फायर जिसको लगेगा वो वहीं गिर जाएगा। अल्ताफ भट्ट को पहला फायर लगा और वो वहीं पे गिर गया। इनिशियल फायर उन्होंने अपने ऊपर लिया, जिसकी वजह से सबसे पहले एफटी बाहर निकलने में कामयाब हुआ और आमिर भी कुछ आगे निकलने में कामयाब हुआ। एफटी आगे मारा गया, आमिर थोड़ा सा गेट से ही आगे मारा गया। ये बताता है, ये सीक्वेंस बताता है कि उन लोगों ने डॉक्टर पहले डॉक्टर को ऊपर मारा और अल्ताफ भट्ट साहब को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया। आमिर के साथ से पिस्टल मिला, आमिर बताइए, आमिर 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 और एफटी दोनों के साथ में, मैंने आपको पहले ही सीजर चीजें जो दिखाई हैं उसमें पिस्टल मिला है दोनों के हाथ में। और रिपोर्टेडली ये पिस्टल गैंग था बांडीपुरा में भी, जो एक अटैक हुआ था वसीम वारी साहब के घर पे, वहां से ट्रेसेस शुरू होते हैं, और इस एफटी का हाथ उसमें भी था पिस्टल किलिंग में। तो ये पिस्टल गैंग था और आमिर के पास भी उन्होंने हाथ में पिस्टल, जब वो अंदर गया उसने एक पिस्टल उसको भी ठप, ये हम लोग SIT अभी तक ये इमेजिन कर पा रहे हैं। प्लीज जी आपको ये बताएं कि जब पुलिस आपको ये पता है नहीं, फिर से बोले अल्ताफ और अल्ताफ मुदस्सिर और आमिर मिलिटेंट की गोली से, आप कह रहे हैं डॉक्टर मुदस्सिर गुल जिसको अटीक पे मिलिटेंट ने ही फॉरेन टेररिस्ट ने टारगेट किया, और लाइन में जब जब नीचे वो लोग आते हैं फायर करते हुए एंट्री पे डॉक्टर अल्ताफ भट्ट को अपना शील्ड बनाते हुए, इनकी मौत क्रॉस फायरिंग में हुई है। सही बात मुझे बताएं, जब आपको ये पता है कि मिलिटेंट जो है वो अंदर है जी, आपको लग रहा है नहीं पता नहीं, हम लोग को छिपाया है, सिविलियंस को जो है अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए, बनिस्बत कि आप आपकी ये ये है कि आप कह रहे हैं कि वो वॉलंटियरली जो है वो ऊपर चले गए, बिल्कुल मैं SIT किसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए बनाई नहीं गई है। SIT बनाई गई है, जो गलत है उसको गलत कहा जाए चाहे वो किसी के पार्ट पे गलत हो, और जो सही है उसे सही कहा जाए चाहे वो कितना भी छुपा कर ना पेश कोई पेश करने की कोशिश करे। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, सिक्योरिटी फोर्सेस को ये बिल्कुल खबर नहीं है कि वो उस बिल्डिंग में मिलिटेंट है। अगर ये हमें पता होता तो हम उनके घर वालों से, मकान मालिक से, ओनर से, सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों पूछती कि आप बताओ इसमें बिल्डिंग में कोई है कि नहीं है। एटीक की तो कोई जानकारी ही नहीं थी बिल्डिंग प्लान में। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है, जो स्टेटमेंट्स मेरे पास आए हैं उसमें ये कहना है कि फर्स्ट फ्लोर के एक चैम्बर की खबर थी,
तो अगर हमें पता ही होता या हाउस ओनर ये बता ही देता सिक्योरिटी फोर्सेस को कि सर इसमें है, तो डेफिनेटली कोई भी किसी को अंदर भेजने की जरूरत नहीं थी, हमें बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस कोई खबर नहीं थी जनाब। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन पूछा, नेक्स्ट आपने क्वेश्चन पूछा जी, government also नजीर साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी कंप्लीट करके 4 दिन पहले गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ जेएनके यूटी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कल लेटर लिखा है कि ऑनरेबल कोर्ट को ये सबमिट किया जाए। गवर्नमेंट को रिपोर्ट और मिल चुका है, गवर्नमेंट ने एक्शन लेके डायरेक्शन दिया डीसी को, कल ही दे चुका है कि कोर्ट में सबमिट किया जाए। पूरा उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग आपके साथ आए हैं। एक क्वेश्चन नजीर साहब ने कहा कि आप ऑपरेशन को हेड कर रहे थे, तो उसको ये बिल्कुल ही आपको जिसने भी बताया है कि ऑपरेशन को हेड कर रहे थे, तो आपको एसआईटी इंचार्ज बता दिया गया है। मैं पूरे मीडिया फैटर्निटी को बताऊंगा, ऑपरेशन को हेड वही करता है जो जिसका कॉर्डन होता है, जो मौके पे होता है। मौके पे 3 टीम थी, 2 RR की टीम थी, वैली QAT CRPF थी और हमारी श्रीनगर पुलिस की SOG कंपोनेंट थी। और वहां पे जो सीनियर ऑफिसर होता है वो वहां पे उसको हेड करता है, ना कि कोई DIG और सीनियर रैंक ऑफिसर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने बताया दो चीजें, आपने बताया आपने इसके पोस्टमार्टम के बारे में बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये है। पहली बात जो लीगल है जो आपने समझा है, क्या राज को पोस्टमार्टम करना कानूनी इज इट अलाउड, क्योंकि वो राज को दफनाएंगे। और दूसरी बात जो आपने बताया कि SIT में तो वास्तविक ऑपरेशन नॉट बीइंग हेडेड और प्रोवाइडेड अभी लेटेस्ट जो लीगल गाइडेंस है, ऑर्डर है, उसमें रात में ही पोस्टमार्टम होता है, ये लीगली है, ऑथराइज है। उसमें अगर लाइटिंग की व्यवस्था हॉस्पिटल में हो तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर ऑपरेशन देखा जाए, जो ग्राउंड पे ऑपरेशन किया जाता है, सुपरविजन तो डेफिनेटली सीनियर ऑफिसर्स की होती है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ग्राउंड ऑफिसर्स को उसका क्रेडिट ना दिया जाए जिन्होंने इतनी मेहनत करके एक फॉरेन टेररिस्ट लोकल टेररिस्ट को मारा। सुपरविजन तो डेफिनेटली होता है, जैसे आप लोग रिपोर्ट बना रहे हैं डेफिनेटली आपके हेडक्वार्टर का सुपरविजन है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं क्रेडिट तो आपको मिलेगा। लास्ट टाइम आईजी साहब ने बोला था कि ये जो अल्ताफ साहब को अगर गोली लगी है बड़ी वाली, क्योंकि उनके पास तो पिस्टल था, इफ द फायर इज फ्रॉम AK दैट मींस द बुलेट इज फ्रॉम पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स। जी जी जी, उस पे कुछ रिपोर्ट आई है, बैलिस्टिक रिपोर्ट, व्हाट डज इट से? जी जी जी, अल्ताफ भट्ट को जो बुलेट लगे हैं वो AK के भी फायर है, जो क्रॉस फायरिंग में वो गए हैं। मैं तो बोल रहा हूँ उन्होंने ह्यूमन शील्ड के तौर पे टेररिस्ट ने उनको इस्तेमाल किया, मैंने आपको वीडियो दिखाया। आपने बहुत अच्छा एक वर्ड यूज किया, स्टिल। तो स्टिल में सबसे बेहतरीन में चीज आपके सामने कहूंगा, केस इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, तो मेरे कंसिडरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैक्ट से फर्क पड़ेगा। आई विल बी रियली ग्रेटफुल अगर आपके पास कोई ऐसा विटनेस है, कोई चीजें आ जाए, तो स्टिल आई एम ओपन, SIT स्टिल ओपन। मेरे ख्याल से अभी मेरे पास 25 से 20 से 25 के बीच में विटनेसेस है, एग्जैक्ट काउंट में भूल गया, सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविलियन, बांडीपुरा, श्रीनगर और सबको मिला दिया जाए तो 20 से ऊपर विटनेसेस हैं, जिसमें कम से कम 6 विटनेसेस का मजिस्ट्रेट के सामने बयान और आइडेंटिफिकेशन परेड भी हो चुका है। अल्ताफ साहब को 3 बार ऊपर चढ़ाया था, 2 बार वो वापस आए, तीसरी बार ही टुक अलोंग द मुदस्सर विद हिम एंड थर्ड टाइम ही डिडंट कम। दोनों प्रश्न का जवाब मैं देता हूं, बिल्कुल। आमिर इसलिए नहीं भागा क्योंकि आमिर को जिसने उस स्पॉट से छुड़ाया था वो हमारे पास खड़ा था। मैंने आपको पहले बताया कि वो डॉक्टर मुदस्सिर गुल का क्लोज एसोसिएट था और वो हमारे पास खड़ा था, उसके कहने पे हमने उसको छोड़ा था। वो एग्जैक्ट बोला कि तुम कहां जा सकते हो और उसके साथ एक आदमी भी था ताकि जब जरूरत पड़े वो बुला ले, एग्जैक्ट वही हुआ।
जब हमें बुलाने की नौबत आई कि उनको बुलाया जाए, वो बुलाया और वो पर्सन उस बिल्डिंग में काम करता था, वो कहां जाता, इसलिए आमिर वहां से नहीं गया। दूसरा क्वेश्चन आपका है, प्लीज क्या दूसरा क्वेश्चन? Rather than breaking the lock, why did you wait for the keys? And second was Altaf Saab used tries to go upstairs. Altaf Saab, मैंने भी ये बहुत सारी रिपोर्ट्स सुनी कि अल्ताफ साहब को 3 बार ले जाया गया, लेकिन माय फेलो जर्नलिस्ट, ये जो सीसीटीवी फुटेज जितनी बार मैंने देखी या जितनी बार अदालत इस फुटेज को देखेगी, कहीं भी अल्ताफ साहब को 3 बार ले जाना इस फुटेज में नहीं आता है। दूसरी बात, हाँ सिविलियन 3-4 बार जरूर गए, जैसे कि एक बार आमिर एफटी आईटी सॉल्यूशन वाले एक बार गया, उसके बाद आमिर, अल्ताफ साहब और फिर मुदस्सिर भट्ट, डॉक्टर मुदस्सिर गुल, ये लोग एक साथ गए, तो सिविलियन 3-4 बार जरूर गए। और आप लोग इस बात को जरूर सोचिएगा कि सारे सिविलियन को हम लोगों ने एक शेड में, एक्साइट बुलेट के पास एक बड़ा सा हॉल था, वो अंदर रखा हुआ था, तो कोई आदमी बाहर भी निकलता था ना, उनको लगता था कि बिल्डिंग में ही गया है, कोई रोड पे नहीं है। ये सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है, जैसा देख रहा हो कि हाँ गया बिल्डिंग में, गया अंदर आया, ऐसा कोई नहीं। जो भी एक सिविलियन थोड़ा सा बाहर भी आया, उनको लगता था कि इनको अंदर ले जाया गया, जबकि सीसीटीवी फुटेज इस बात को सपोर्ट नहीं करती है। रादर इस थॉट आपके क्वेश्चन को, हमने यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे है, उन्होंने की तोड़ने, ताला तोड़ने का ये क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे ऑनर ने खुद वॉलेंटियर किया कि मेरे पास चाबी है, मैं खोल के दिखा दूंगा, कोई शक ही नहीं है। तो क्यों मैं आपके सामने एज एसआईटी इंचार्ज आपके सामने हूं? अगर आप इस क्वेश्चन से मुतमईन हैं, फिर हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है कि जो मैं आपका क्वेश्चन समझ गया सर, 2 मिनट टाइम दे, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। एसआईटी उतना ही बात बोल रही है जितना हमारे पास सबूत है। मैंने ना तो किसी को, मैंने ये क्लीन चिट देने के लिए एसआईटी बनी है, ना किसी को फंसाने के लिए बनी है। मैंने ये कहा कि विटनेसेस ये बोलते हैं कि हमने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को एफटी के साथ गाड़ी में घूमते हुए देखा, सीसीटीवी फुटेज दिखता है कि उसके चैम्बर में वो पिस्टल के साथ एक रात पहले भी था। बाकी विटनेसेस ये बोलते हैं कि बिल्डिंग में आमिर मागरे डॉक्टर मुदस्सिर गुल का साथ रहता था, काम करता था, आमिर मागरे का लिंक आगे पाया गया। ये सारे लिंकेजेस हमने रखा है, जिस दिन कंक्लूजन रखेंगे अदालत के सामने चार्जशीट के साथ पेश किया जाएगा, केस इज स्टिल ओपन। देखिए ये कोई नई चीज बात नहीं, हर एक पुलिस स्टेट पुलिस करती है, हम लोग भी किए हैं। कोई भी आप फेक न्यूज नहीं फैला सकते हैं, मिलिटेंट को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं, रिमर नहीं फैला सकते हैं, ऐसा किसी को थ्रेटिंग नहीं कर सकते हैं, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे सोशल मीडिया के किसी भी गैजेट पर, किसी भी ऐप्स पर, ये इलीगल है। इससे मिलिटेंसी फैलती है, टेरिज्म फैलती है, लोगों में फेयर फैलता है, ये कानूनी अपराध है। पहले हम लोग ये एडवाइस कर रहे हैं, काउंसिलिंग कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक्शन लेंगे। सब्सक्राइब एशियन मेल, प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।